मैं किसी लड़की के साथ नहीं थी। मेरा यकीन करें अम्मा, मामी मैं नोशी के साथ ही गई थी और अम्मा को बता के गई थी कि शॉपिंग पे जा रहे हैं। वो भी मैंने जल्दी जल्दी कर ली थी, बस उसने जिद की थी कि खाना खाना है, उसके लिए थोड़ी देर के लिए मैं रुक गई, इसलिए शायद देर हो गई, पर मैं किसी के साथ नहीं थी। फिर भी आप लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं है तो मैं बुला लेती हूँ नोशी को, वो बता देगी। ठीक है ठीक है, बुलाओ उससे ताकि हमीदा की तसल्ली तो हो जाए ना कम से कम। ये और बात है कि फिर उसके बाद हम उसके खानदान के सामने नजरें उठाने के काबिल नहीं रहेंगे और ना कभी तुम अपनी सहेली से मिल सकोगी। आप कैसी बातें कर रही हैं आप? नहीं बेटा, ना तुम्हें कहीं जाने की जरूरत है, ना किसी को यहाँ बुलाने की। हमें तुम पर पूरा भरोसा है। आज आपको तो मेरी बात पे यकीन है ना? कि मैं किसी लड़के के साथ नहीं गई थी, या आपको फिर इत्मीनान दिलाने के लिए मुझे नोशी को बुलाना होगा? नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। तुम खुल के बात करो बेटा, जो जो दिल में है वो बता दो। ये ना हो बाद में तुम मेरी बेटी पर शक करो। अब शक का बीज तो बो ही दिया ना इसकी मामी ने। बेटा मुझे माफ कर, मुझसे गलती हो गई। जिस लड़की को मैंने देखा था वो दुरैया नहीं थी। वो दुरैया जैसी कोई और थी। मामी नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, ये मत करें, ये मत करें, मेरे आगे हाथ मत जोड़ें प्लीज। अगर गलती हो भी गई तो कोई बात नहीं, हमने गलत नहीं सोचा, प्लीज। हैरत है मामी, आपको गलत फहमी हो गई तो आपने इतनी बड़ी बात कर दी, जबकि मैंने तो अपनी आंखों से सारा को। क्या क्या कह रही हो, बताओ क्या सारा को कहां देखा तुमने? मत छोड़, मुझे इस बारे में बात ही नहीं करनी। शायद यही फर्क है इन लोगों में और हम लोगों में। नहीं एक मिनट, क्या क्या देखा तुमने बताओ? छोड़े ना माँ, कुछ नहीं, मैं इस बारे में बात ही नहीं करना। नहीं दुरैया नहीं, तुम्हें मेरे सर की कसम है, क्या देखा तुमने, कहाँ देखा सारा को बताओ मुझे, ताकि हम कोई बंदोबस्त कर सके। मैं और नोशी जिस जगह पे बैठ के खाना खा रहे थे, वहाँ सारा भी थी उसी लड़के के साथ। क्या कह रही हो तुम, क्या बकवास कर रही हो दुरैया? मैं जानती थी कि आप लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं आएगा। हाँ, आप लोग नोशी को ही बुला लें, वो सच बता देगी कि मैं किसके साथ थी और सारा किसके साथ।